नेतन्याहू पर भड़के बाइडेन, कहा बेवकूफ बनाना बंद करो। ईरान से युद्ध की नौबत आई, इसराइल अमेरिका में बात बिगड़ी। इसराइल ने जब से तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिया की हत्या करवाई है, तभी से ही ईरान तिलमिलाया उठा है। और अब खबर आ चुकी है कि अमेरिका भी इसराइल से नाखुश है। शनिवार शाम को आई एक रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा, बकवास बंद करो और मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सूत्रों की माने तो जो बाइडेन को गुस्सा तब आया जब नेतन्याहू ने फोन पर बताया कि इसराइल हमास के साथ बंधकों के बदले युद्ध विराम समझौते पर बातचीत के साथ आगे बढ़ रहा है और जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजने वाला है। बता दें कि जो बाइडेन मानते हैं कि जल्द से जल्द ही गाजा पट्टी में इसराइल की ओर से कार्रवाई रोक दी जाए। युद्ध विराम की मांग करते हुए अमेरिका ने इसराइल को फटकार तब लगाई थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति एक चैनल पर संबोधन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक छवि को हावी करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह कदम गलत है, निर्दोषों की जान लेना भी गलत है, तत्काल गाजा पट्टी में युद्ध विराम होना चाहिए। जो बाइडेन ने इसे लेकर पहले कहा कि नेतन्याहू आंतरिक राजनीतिक कारणों में डील में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने शनिवार की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी निजी चर्चा पर टिप्पणी नहीं करते हैं। बयान में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री अमेरिकी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और जो भी राष्ट्रपति चुना जाएगा उसके साथ काम करने को तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भी इसराइल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान में बुधवार को हुए एक विस्फोट में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत से भड़के ईरान ने बदला लेने की धमकी दे दी है। इधर हिजबुल्ला की तरफ से लगातार इसराइल पर वार किया जा रहा है। कभी 70 मिसाइलें दागी जा रही तो कभी 50 से ज्यादा मिसाइलों से हमला बोला जा रहा है। इसराइल ने न तो फिलहाल हत्या में अपनी भूमिका स्वीकारी है न ही इससे इनकार किया है। गुरुवार को बाइडेन ने कहा कि हमास के प्रमुख वार्ताकार की हत्या से गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के प्रयासों में मदद नहीं मिलने वाली है। इस बात की भी चिंता उन्होंने जताई कि इसराइल पर एक बड़ा हमला हो सकता है, इस कारण अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती भी बढ़ा दी है। अमेरिका लगातार इसराइल की मदद के लिए अपने सैन्य बेड़े भेजता रहा है और हवाई हमले भी कई बार कर चुका है। आपको बता दें कि फिलहाल ईरान, अमेरिका और इजरायली प्रधानमंत्री की बातचीत के दौरान जो कुछ भी मसला हुआ उसको लेकर अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका इन युद्ध में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करे। ईरान कई मौकों पर यह कह चुका है कि अमेरिका की दुश्मनी ईरान से है तो वो इसराइल की मदद करके ईरान के लिए मुसीबत न खड़ा करे। आपको बता दें कि फिलहाल ईरान चुप है, लेकिन आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि हिजबुल्ला की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है, क्या ईरान उसे अपना समर्थन देते हुए एक बार फिर इसराइल पर कोई बड़ा हमला करता है। इस खबर को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं।